गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग JMII MBA के कौन सेशन पे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, MBA में जो क्वेश्चंस पूछ रखा था, 20 से कितना था, 28 के अराउंड हमने क्वेश्चन कल किए थे। तो उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या एग्जाम में पूछता है ना, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक उसी तरीके से अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ JMII का, जामिया इस्लामिया का, तो उसमें भी हमने करीब तकरीबन 37 के आसपास का क्वेश्चन है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन आपका चल रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग एज अ प्रैक्टिस के लिए 37 क्वेश्चन आपको लगाने बहुत टाइम लगेगा। तो एज अ प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, जो पढ़ाया गया है क्या उसी से आ रहा है, या फिर क्या क्या चीज़ें हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग, जरा बताइए। कॉपी पेन ले लीजिए, बिल्कुल जो है एक्टिव हो जाइए, और लगातार एक से एक घंटे तक में हम लोग कर ले जाएंगे जितना भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तेजी से करिएगा, आंसर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन बताइए। कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 2, 4, 8, 16 एंड 1024। ये जानते हैं क्या, ये जीपी है, आपने पढ़ा होगा ना, एपी सीरीज होती है ना, ये जीपी में है। अगर आप ऐसे देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म जो है 2n है, सेकंड टर्म जो है 2 है, इसी तरीके से थर्ड टर्म जो है 2 है। ये जरा बताइए, वन लास्ट टर्म 1024 है, ये 2 की कितनी पावर है, ये बताएगा, ये 2 की कितनी पावर है। नहीं आता तो फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये 2 कितनी है, 10, इसका मतलब ये नंबर ऑफ जो टोटल टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 टर्म्स होंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 पावर 10। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह रहा है विच द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, जल्दी बताइए क्या हो सकता है प्राइम नंबर, 9, 4, 8, 2, इसमें से कौन सा नंबर आपका प्राइम नंबर है, यानी ऑप्शन बी। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें ज्यादा क्वेश्चन ईजी होगा, एज अ प्रैक्टिस लीजिए इसको, उसमें हम लोग टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा हूँ फाइंड HCF, जल्दी बताइए HCF बताना है, कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है HCF क्या होता है, HCF जो भी नंबर होगा उस नंबरों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। HCF एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर्स को डिवाइड करता है, क्या 18 तीनों को डिवाइड कर रहा है, चेक करके बताइए, यस डिवाइड कर रहा है। क्या 36 तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या 54 तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, जल्दी बताइए। 54 देखिए इसको नहीं कर रहा, 288 को, तो 54 भी आपका HCF नहीं होगा। 108 पहली बात तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 54 क्या है, 10 कभी भी HCF बड़ा थोड़ी हो जाएगा तीनों नंबर में से किसी एक नंबर से। तो ये जो सबसे जो ये भी कॉन्सेप्ट है, सबसे लीस्ट नंबर से HCF बड़ा नहीं होता है, ये तो होगा ही नहीं। तो बिना कुछ किए आंसर बताइए, 18 आपका लग जाएगा, इसमें DS क्या लगाओगे, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन DS लगा रहा है, हैं? सबसे बड़ा नंबर आपका हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए आगे बताइए, कॉन्सेप्ट था ना ये HCF का, सबसे गेट जो नंबर को डिवाइड करे वही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 4, सबको रिड्यूस करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करना है, सिंप्लीफाई, जल्दी सिंप्लीफाई करिए। देखिए कभी कभी यह होता है क्या है कि ये नंबर जो है किसी एक प्राइम नंबर से क्या होगा, किसी एक प्राइम नंबर से कैंसिल आउट होगा। जरा बताइए वो प्राइम नंबर क्या है, दोनों को कैंसिल करेगा, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये 23 से दोनों जाएंगे, 23 16 जो होता है 368, यानी 23 से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आसानी से ये आपका आंसर आ जाएगा, 16/25। बात समझ में आ गई, 16/25 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए ये वाला चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना, हाइट एंड डिस्टेंस, चलिए थोड़ा बहुत हाइट एंड डिस्टेंस का भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन लग जाएगा, अगर एग्जाम में इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप सॉल्व भी कर ले जाएंगे। कह रहा है टू शिप में देखिए, और एक लाइट हाउस है, देखिए ऐसे इसका डायग्राम थोड़ा देखिएगा, एक लाइट हाउस है, देखिए लाइट हाउस आपका इस तरह से है, और इसके दो किनारे दो शिप हैं, एक देखिए यहाँ पे है, दूसरी देखिए यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे कहीं, और कह रहा है इनका जो एंगल, आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास देखे होंगे उसमें मैंने आपको बेसिक बताया है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है, मान लेते हैं 45 डिग्री है,
और कितना है, 30 या 45? इरका ही ले लीजिए, 30-40 का डिग्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ये दे रखा है 100, ठीक है। अगर ये 100, जरा बताइए आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी ये आपसे पूछा है। अगर हम ये बताइए, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए टेन थीटा क्या होता है, 10 45 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर माने एडी, एडी कितना है 100, अपॉन बेस यानी बीडी, बीडी निकल जाएगा यहाँ से। और 10 45 की वैल्यू होती 1, तो 1 × BD करेंगे BD, BD की वैल्यू आ जाएगी 100, BD आ गया आपका 100। अगर मैं टोटल x मान लूँ तो CD कितना होगा, आप बोलोगे सर x-100, ये तो होगा। अब यहाँ भी 10 लगा दीजिए, 10 30 डिग्री होता है, वही वाला फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 100 अपॉन बेस कितना हो जाएगा, x-100। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अगर ये सब नहीं पता होगा तब नहीं लगा पाएंगे, x-10 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा ना, देखिए x-10 की वैल्यू आ जाएगी 100√3, 100√3, और रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 173 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, 173 आपका आ जाएगा x-10, x-100, सॉरी x-100 कर लीजिए इसको, x-100, x-100 की वैल्यू 173, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 173 प्लस 100 करेंगे तो 273 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये इस तरह से लगता है, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस अगर क्वेश्चन अगर आपके एयू वगैरह में देखा, एयू में आता है, एयू में देखा जा सकता है, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है ना, इसमें टेंशन मत लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, 273 आपका आंसर है। किसी कुछ बताना हो बता दीजिएगा, आगे चला जाए। देखिए ये भी आपका आ गया है, कह रहा फ्रॉम पॉइंट सी, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का है, कह रहा फ्रॉम पॉइंट सी ऑन लेवल डायग्राम, ऑन लेवल ग्राउंड, यानी ग्राउंड से कोई पॉइंट सी, उस पर कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का 30 डिग्री है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये एक टावर है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट सी है, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, अगर यहाँ से आप टावर के टॉप को देख रहे हो ना, यहाँ पे यह जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और कह रहा है टावर का जो हाइट है टावर की वो 100 मीटर है, तो जरा बताइए, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द फुट ऑफ द टावर, यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये अगर सी है, तो यहाँ से बी सी पूछ रहा है, बी सी की लेंथ क्या होगी। फिर वही 10 लगा दीजिए, 10 30 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 100 अपॉन बेस, बेस माने बी सी, बी सी मान लेता हूँ एक्स है, 10 30 की वैल्यू बोलो 1/√3, 100 अपॉन एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100√3, 100√3 अभी आप देखे थे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 173 मीटर ना, 100 × 1.73 करेंगे तो 173 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रही है आपकी, और आपका अभी जस्ट एग्जाम भी है, तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बने रहिए, पेन कॉपी लेके बैठा रहिए, तुरंत तुरंत आंसर करिए। जैसे आप सोचिए आप एग्जाम दे रहे हैं, एयू का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए एयू का ही पेपर आ गया, फिर अपना टेस्ट कर लीजिए कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जब देखिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, कह रहा अबोट हैविंग लेंथ 3 मीटर और उसकी ब्रेथ 2 मीटर है, इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक, ये क्या लेक पे तैर रही है, कह रहा उसमें कोई आदमी कूद करके क्या उसमें जाके जब बैठ जाता है, जिसकी वजह से बोट क्या होती है 1 सेंटीमीटर सिंक कर जाती है, यानी डूब जाती है। तो कह रहा है कि मास ऑफ द मैन क्या होगा, यार जब जब बैठेगा तो बोट कुछ अंदर जाएगी। तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जितना मास क्या होगा, जितना बोट डूबेगी ना, तो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगी उसका जो वेट होगा वही उस आदमी का वेट हो जाएगा। आपने 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ रखी होगी, तो आप एक चीज पढ़े होंगे फॉर्मूला, कि डेंसिटी जो होती है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मास निकाला जाए यहाँ से तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी अगर अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो वाटर का, तो उसका जो मास होगा 1000 किलोग्राम होगा।
यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दीजिए। ये बताइए वॉल्यूम कितना होगा, जो पानी डिस्प्ले उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2 मीटर, उसकी हाइट LBH हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 मीटर। ये तो मास हो गया ना, और डेंसिटी, डेंसिटी वाटर की कितनी है 1000। बताइए आंसर कितना आ रहा है 60 kg, कितना आ रहा है 60 kg आपका आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन 7 क्या 70 कैसे आ गया था, तो 60 kg आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो जरा बताइए वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है, आसान क्वेश्चन था ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा करके, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको बताइए सभी लोग। असिस्टेंट कह रहा कि 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड कंटेन वाटर अप टू कह रहा है ब्रेथ ऑफ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द वेट। ये बताइए ये वाला क्वेश्चन मैंने मॉक में दे रखा है, ये डेंसिटी वाटर की होती है, फिजिक्स में नहीं पढ़ा क्या आपने, ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, इसको आपको याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। चलिए ये बताइए ये वाला क्वेश्चन मॉक में मैंने दे रखा है, जल्दी बताइए सभी लोग आंसर कितना। कह रहा मान ले कोई आपका क्यूबॉइड टाइप का कोई सिस्टम है, उसमें पानी कितने लेवल तक है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो कह रहा कितना पार्ट जो है एरिया जो है वो गीला है। सबसे पहली बात चारों वॉल का एरिया निकाल लीजिए जहां तक पानी लगा हुआ है, और साथ ही साथ बॉटम का L×B। अगर मॉक दे रखा है तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्या होगा 2×H L+B, ये वॉल हो गया, और प्लस L×B नीचे वाला बॉटम जो गीला पानी वहां भी तो रहेगा। ये बताइए हाइट कितनी है, हाइट आपकी कितनी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 1.25। L+B 6+4 ऐड कर लीजिए 10, और L×B कितना हो जाएगा 6×4=24। आंसर बताइए, देखिए कितना हो जाएगा ये 2.5×10 करेंगे 25, और 24 दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49। तो देखिए ये वाले कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपको सीट से मिल गया, ये मॉक में मैंने दिया था, देखिए ये आपके JNI में पूछ लिया क्वेश्चन, तो जितना जो दिया जाता है उसी हिसाब से एग्जाम में आता है, कोई नई चीज़ नहीं आती है। पेशेंस बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखिए, आराम से पढ़िए, जो चीज़ बताई जा रही है उसको देखते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कोई डाउट इसमें जरा बताइए, मुझे लगता है क्लियर है ना। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5, कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड इज मोर देन सेकेंड बाय 52, देन वॉट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा, बिना सॉल्व किए 65 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर लीजिए, कह रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड का सम हो जाएगा 8, सेकेंड है 4, तो डिफरेंस कितना आएगा 8 - 4 आएगा, और 4 की वैल्यू दे रखी है 52, 1 यूनिट की वैल्यू 13, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। आपको वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है, आप सोचिए 5 का मल्टीपल डायरेक्ट आंसर हो गया। मैं कितनी बार बोला था ना कि क्वेश्चन को जो मल्टीपल बताया जा रहा है ऐसे नहीं हवा मुड़ा दिया गया है, बिना लगा भी आप देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही चला जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप देना अच्छे से आपको बताया गया डिफरेंस, फर्स्ट थर्ड का सम, सेकेंड से डिफरेंस 4 यूनिट की वैल्यू 52, 1 की 13, 5 की 65, ओरल लग रहा है। आप जाके देखिए यूट्यूब वगैरह पे, कोई सोल्यूशन इस तरह नहीं कर रहा है, जितना भी सोल्यूशन है ऊटपटांग, जितना भी बड़े से बड़ा, लोगों को लगता है मॉडरेट आ रहा है, कहाँ मॉडरेट आ रहा है, सारा क्वेश्चन इजी आता है। आपका सोल्यूशन किस टाइप का है, आप सोचते क्या क्या हो, यहाँ पर यही सारी चीज मैं लगातार शुरू से सिखाता आ रहा हूँ भाई। मल्टीपल सीख लीजिए, DS कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कहाँ कहाँ से वन यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, आपका मैंने बोला था कि 60% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे नहीं बताया गया है। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, ऑप्शन से करिए जल्दी से इसको, यही चीज यहाँ पे सिखाई जा रही है। और जिनको अच्छा ये जो सिखाया नहीं जाता ना किसी को ऑप्शन से ना करिए, वो लोग क्या करेंगे, ना ऑप्शन देखेंगे ना कुछ देखेंगे, लगेंगे हम सॉल्व करने 10x + y, then y, then difference, this, इतना बड़ा पेज लगाएंगे सॉल्व करने में, और ये क्वेश्चन 5 सेकंड का ऑप्शन से हो जाएगा। क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर 12, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, ये 12 नहीं, देखिए ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ भी 12 आ रहा है,
अगर अगर इन इनके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो जो नंबर आता है ना वो ओरिजिनल से बड़ा आता है, और 52 कितना ज्यादा होता है, 54 ज्यादा आएगा। अगर 93 को आप रिवर्स करेंगे तो 39 आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल से छोटा रहेगा। ओरिजिनल नंबर से क्या होगा, छोटा रहेगा, जबकि बड़ा आना चाहिए। आंसर आंसर कर गया, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 39 है, आप रिवर्स करेंगे 93 आएगा। देखिए ग्रेटर देन है कि नहीं ओरिजिनल से, और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 54 आएगा। तो मैं सारी चीजें इसलिए सिखाता रहता हूँ कि ऑप्शन देखा करिए, मल्टीपल देखा करिए, डिजिट देखा करिए, यूनिट डिजिट देखा करिए, सब चीजें इसीलिए सिखाई जाती है। ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है। जल्दी इसको बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है एक शॉपकीपर है 200 बल्ब, 200 बल्ब जो है 10 रुपए के हिसाब से अगर खरीदता है तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा उसको, जल्दी बोलो। 200 × 10 2000 रुपीज का। अब कह रहा है कि 5 बल्ब जो है वो फ्यूज हो गए, अगर 5 बल्ब फ्यूज हो गए और 10 रुपए के हिसाब से खरीदा था तो कितने रुपए का लॉस हो गया उसको, आप ही लोग बोलिए। 50 रुपीज का लॉस हो गया है ना, 50 रुपीज का लॉस हो गया उसको। ये बताइए, कह रहा है कि जब 50 रुपीज का लॉस हुआ तो उसने सोचा भाई अब जो उसके पास रिमेनिंग बल्ब बचा, कितना बचा बल्ब जरा बताइए, 5 फ्यूज हो गए तो 195 बचा, तो उसने उसको 12 रुपए के हिसाब से बेचना स्टार्ट किया। 12 रुपए का मतलब ये हुआ कि एक बल्ब पे वो कितने रुपए का फायदा ले रहा है, जल्दी बोलो। 1 रुपए, 10 का तो कॉस्ट ही पड़ा है उसको, एक एक बल्ब पे कितने रुपए का फायदा ले रहा हो, 2 रुपए का, 2 रुपीज का। अगर उसके पास 195 बल्ब्स हैं तो कुल कितना प्रॉफिट कमा लेगा वो, जल्दी बोलो। अरे भाई 5 × 195 × 2 कितना है, 390, तो 390 का प्रॉफिट कमाएगा, 50 का लॉस हुआ है, तो ओवरऑल उसको कितने रुपए का गेन हो गया, 340। तो 340 का गेन हुआ है 2000 रुपये, जरा बताइए कितना परसेंट का फायदा है, वो दिख ही रहा है क्वेश्चन में, 17%। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2000 का अगर आप कितना लिखा, 2000 पे 340 का फायदा। अब ये सब लिखना मत कि 340/2000×100, ये सब मत लिखा करो, जब दिख ही रहा 2000 का कितना परसेंट 340 होगा, ऑप्शन देखो आंसर करो। ये नहीं बैठ के सब पूरा बढ़िया से वहां जाके, आपकी कोई मेंस की कॉपी नहीं चेक कर रहा है, आपका आंसर देख रहा है, ठीक है। तो 17% आंसर आ जाएगा मुझे लगता है, आई होप सबको क्लियर होगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। इसको बताइए जरा, तो ये बताइए क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, देखिए जल्दी जल्दी पढ़िए सॉल्व करिए। रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्राइज इट्स ब्रेथ, अगर उसकी ब्रेथ जो है मैं मानता हूँ अगर x है, अगर उसकी ब्रेथ मान लेता हूँ x है, जरा बताइए उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी 3 times यानी 3x। अगर उसका एरिया अगर पूछा जाए तो एरिया क्या होगा, 3x² l × b। अगर उसका पेरीमीटर पूछा जाए तो बताए कितना होगा, कितना हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b, l कितना है 3x और प्लस b यानी x, तो उसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 8x, 4x × 8 × 2 8x। ये बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो बिना सॉल्व किए इसका आंसर कर सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो बिना सॉल्व किए इसका आंसर बता सकते हैं, जल्दी बोलो। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना सॉल्व किए इसका आंसर बता सकते हैं, मैसेज करो, क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज इट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 8 × x आ रहा है, इसका मतलब आंसर जो भी होगा क्या क्या 8 का मल्टीपल हो गया काम, बिल्कुल राइट, 8 का मल्टीपल, डी ऑप्शन। अब बताइए, अब आप बताइए जितने लोग एग्जाम दे के आए हैं क्या उन्होंने ये चीज सोच पाई, जो ये सोच लिया उसका काम खत्म, और जो नहीं सोच पाया वो लगाता रहे, कैसे लगाएगा जरा बताइए, वो क्या करता, वो लिखता है यहाँ पे एरिया दे रखा है कितना, देखिए एरिया कह रहा है ना, अब देखिए अब उसका पहले एरिया निकालता, एरिया कितना आ जाता है, l × b करता, 3x² आता, और 1 मीटर का कॉस्ट कितना दे रखा है, इतना मल्टीप्लाई करता 360 पॉइंट्स, लगाता है रहिए यार, और फिर मिला करके जब इनसे मल्टीप्लाई करता तो टोटल कॉस्ट जो आया है वो 27540 आया है। अब क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ से x² की वैल्यू निकालेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आप जब करके जब डिवाइड करेंगे 3 भी डिवाइड होगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 25 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो पेरीमीटर आ जाएगा 40। तो कुछ लोगों को देखिए, एक स्टूडेंट गया वो 8x देख करके आंसर कर दिया, अब एक लोग गए तो क्या कर रहे थे,
ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ऐसे कर रहे थे। और इतना आसान नहीं है 25 लाना, अच्छे से कैंसिल आउट करना पड़ेगा तभी मालूम चलेगा। ये ऐसा नहीं कि हवा में लग जाएगा, ये 25 आ जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये सब चीज थोड़ा सीखिए, ये देखिए कितना काम आने वाली चीज है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है लगाइए, जल्दी बताइए इसमें कौन लगाइए, सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर बताइए तो देखिए ये कितना है, 4/5 80%, ये कितना है 125%, 1/4 25% इंटू 5 125, ये 20 9 180% है। ये देखिए 7/2 है 3.5 यानी 350% है ये, और ये कितना आपका है 20 160% है। तो चौथे नंबर पे कौन आएगा, सबसे पहले 7/2 है ना, सबसे पहले 7/2, उसके बाद बताइए कौन आएगा 7/2 के बाद, 9/5 180% है। उसके बाद देखेंगे ये कितना आ रहा है, 160 ही आ रहा है ना, तो 8/5 आ रहा है। उसके बाद कौन आएगा, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे 5/4 125% ही आ रहा है, तो 5/4। और ये वाला क्वेश्चन कई जगह BHU में भी दिखता है, हर जगह दिखता है। तो इसको देखिए परसेंटेज में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे आप। इसको बताइए सभी लोग, टाइम मिलेगा 10 सेकेंड, जल्दी बताइए। ए 10 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है, सी 40 मिनट में खाली करता है, तीनों को एक साथ चला दिया गया, तो जरा बताइए टैंक कितने मिनट में फिल हो जाएगा। आपके सामने टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, 10, 20, 40 कैल्शियम लीजिए, एफिशिएंसी निकालिए, ओवरऑल देखिए कितना भर रहा है 1 मिनट में, तुरंत डिवाइड करिए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। 10 किसका आंसर आया पहले, सचिन शुक्ला राइट आंसर। और आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ करके, हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, ए की एफिशिएंसी +4, बी की +2 और सी की -1, ओवरऑल अगर मैं तीनों को एक साथ चला दूंगा तो 4 2 6 भर जाएगा, एक निकल जाएगा, यानी 5 आएगी एफिशिएंसी। 40 लीटर का टैंक है, एक बताइए 1 मिनट में 5 लीटर अगर भरता है तो कुल कितना टाइम लग जाएगा, 40/5 8 मिनट्स। अगर इसको 10 सेकंड से ज्यादा ले रहे हैं तो यानी आप तैयारी नहीं सही कर रहे हैं। इसको बताइए, इसको बताइए डीएस कॉन्सेप्ट लगाइए, 10 5 सेकंड में आंसर बताइए, डीएस कॉन्सेप्ट लगाइए 5 सेकंड में आंसर, 5 4 20 डीएस 2 आ गया, और 4 3 7 5 12 यानी 3 3 2 6, जिसका डीएस 6 है वो मेरा आंसर है, जिसका डीएस 6 है वो मेरा आंसर है, जल्दी बोलो। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन ए खत्म। देखिए अब बताइए कितने लोग समझ पाए, कितने लोग समझ पाए, हो गया ना डीएस कॉन्सेप्ट, ठीक है कोई डाउट। ये होता है ऐसा सोल्यूशन लगाइए, ये होता है स्मार्ट सोल्यूशन है ना। इसको बताइए, देखिए इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में आज ही डीएस की क्लास ली है सर, अच्छा आज ही देखा है। इसको बताइए, देखिए ये वाले जो क्वेश्चन में है ना, आफ्टर एंड अदर करेंगे तो आंसर कुछ आ रहा है। अगर मैं इस आफ्टर को, आफ्टर एंड अदर का मतलब है कि ना जो 2-3 महीने बाद ज्वाइन किया है तो जो सी है उसके 6 महीने बाद ज्वाइन किया, यानी कि सिर्फ जो है 9 मंथ बाद ज्वाइन किया, यानी 3 मंथ के लिए ज्वाइन किया। अगर मैं आफ्टर वर्ड ये हटा देता हूँ तो इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, आफ्टर हटा दीजिएगा, जल्दी बताइए आंसर कितना आ रहा है, जल्दी सभी लोग बताइए। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए ने 45,000 रुपये इन्वेस्ट किया है 12 महीने के लिए, आफ्टर 3 मंथ्स यानी 9 मंथ्स के लिए बी ने इन्वेस्ट किया है 60,000, 3 जीरो हटा दीजिएगा, 60 लिखिएगा, और सी जो है 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ माने 6 महीने बाद, यानी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, और जरा बताइए कितना ज्वाइन किया है, 90,000 लेकर के 90, जल्दी बताइए रेशियो कितना आ रहा है सभी लोग, जल्दी बताइए रेशियो कितना आ रहा है। 12 सेकेंड, 12 चला जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना जरा बताइए सभी लोग, बताइए कितना आ रहा है, ये 540 आएगा ना, 12 समझेंगे तो ये 45 आ जाएगा, सभी लोग बताइए आंसर, और रेशियो कितना आ रहा है, 1:1:1 आ रहा, वेरी गुड, कितना आ रहा है, हाँ देख लिए 45 45 45, 1:1:1, वाह क्या बात है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए कितनी आ रही है दोनों मिला करके, 165, जीरो मत लिखा करिए, बढ़ा ही लीजिए,
जरा बताइए निकालना किसका, ए का शेयर ए है कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू बोलो, 3 5 3 5 5500। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर तब होगा जब आफ्टर नहीं रहेगा 6 मंथ के लिए, आफ्टर ने अदर लगाएगा तो कुछ आंसर और आएगा, इसको हटा करके इसलिए मैंने इस आंसर बताया। तो आप देखिए कि पार्टनरशिप में जो पढ़ाया गया है ना, मैं कितनी बार भी देखिए, हम लोग एमयू का किए थे ना, वही वहां पे 2 साल दिया, थोड़ा सा यूनिक दिया था वहां पे, 2 साल का दे दिया था, अब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 1 साल का लगाया। इसको बताइए सभी, तो अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करिएगा। कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, इतना एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 75.44। यहां से अगर मैं आर स्क्वायर निकालता हूं तो फिर यही आ जाएगा 4/π, यानी 22/7, रिवर्स हो जाएगा 7/22 आएगा, कैंसिल करिए इसको, तो 23 = 66, 9 = 94, 22 = 88, और कितना देख लिया, कितना देखिए कितना आ रहा, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, ये तकरीबन आ जाएगा 7 × 4 = 28, और 24.8 या 9 के करीब में आंसर आ रहा है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना। तो जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो जरा बताइए क्या निकालेंगे, देखिए अगर ये 25 होता तो आपका 5 आता, लेकिन ये 25 के बिल्कुल करीब है, तो रेडियस को आप अप्रोक्सीमेशन कितना ले लेंगे, 4.9, क्या ले लेंगे, 4.9 ले लीजिए, उसी करीब में आएगा, आर 4.9 हो गया, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, कितना होता है 2πr, आर की वैल्यू 4.9 ले लिया, 7 से कैंसिल किया 0.7 आया, यानी 14, 1.4 × 22 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 30.8, कितना आ जाएगा 30.8। तो ये सब क्वेश्चन इसी टाइप के भी कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा सभी लोग, तो आंसर डी इज राइट आंसर, डीएस नहीं लगा सकते, अप्रोक्सीमेशन है, डीएस भले आंसर आ गया लेकिन डीएस नहीं लग पाएगा क्योंकि कति नहीं रहा, डीएस तब लगता है जब आंसर एग्जैक्ट आता, हर जहां डीएस मत लगा दीजिए, कैसे पढ़ के आए सचिन शुक्ला है, आज आपने डीएस पढ़ा उसका रूल नहीं देखा है, 11 का मल्टीपल तब आएगा जब आपका एग्जैक्ट, अरे जब आर ही एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो 11 का मल्टीपल कैसे आ जाएगा, वो भले ही दे दिया है, तो तुक्का में सही हो गया आपका, इसको बताइए जल्दी बोलो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डीएस भी लगा सकते हैं वैसे भी सॉल्व करिए, 7000 रुपीज, ऐसा ही निकालना बहुत ही आसान है, 7000 का 50/3%, यानी 50/300, और 9 मंथ के लिए 9/12, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए, देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ से, है ना, और बताइए अगर और देखेंगे, देखिए 12 3 = 36, या 9 कैंसिल कर देगा तो यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, और बताइए आंसर बताइए जल्दी से कितना आ रहा, सभी लोग आंसर करिए, 3500 को 4 से डिवाइड करिए, 875 मेरा आंसर, और डीएस लगा दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है, डी आ रहा है 875 आ रहा, जल्दी देखो डी नहीं आएगा, 875 राइट आंसर, 875। अब ये सब कैंसिल नहीं कर पाओगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, इसको बताइए, ये भी लगाई सभी लोगों को, अच्छा क्वेश्चन दे दिया, देखिए ऐसा ही पूछा है, लेकिन ध्यान दीजिए कह रहा है कि 4 फरवरी 2005 से लेकर के 18 अप्रैल 2005 तक कितने दिन होंगे, 73 डेज, कितने होंगे 73 डेज, अगर उसको आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 73/365, ये कैंसिल करेंगे तो 1/5 ईयर में आ जाएगा, अब लगा दीजिए क्वेश्चन, 2000 रुपीज है, 25/4% का मतलब 25/400, और इनटू 1/ कितने साल के लिए है, हो तो गया 1/5 के लिए, आंसर बताइए जल्दी से, नीचे 2 आ रहा है ऊपर 14, 7 जिसका डीएस होगा मेरा आंसर होगा, जिसका डीएस 7 होगा मेरा आंसर होगा, कौन सा आंसर 25, कौन कौन लोग डीएस लगाए हैं, और डीएस लगाने की जरूरत भी नहीं, बहुत ही आसान है ना, अब कहेंगे सर हर जहाँ डीएस क्या लगा रही, तो बहुत ही आसान था, है ना, 4 5 जा तो लग ही जाएगा, 5 5 कैंसिल 25 आ जाएगा, तो आप डीएस लगा भी सकते हैं और इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको बताइएगा 20, बताइए सबसे अच्छा फायदा कहाँ पे हो रहा है, देखिए 2 तो हम निकाल ले जाएंगे,
अगर कॉस्ट प्राइस जो 50 रुपये है उसमें 24 का फायदा हो रहा है, जरा बताइए सभी लोग कितने परसेंट का फायदा हुआ, तुरंत डायरेक्ट बताइए। 24/50×100 48% ना डायरेक्ट होना चाहिए, 1/52% होता है, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48% हो जाएगा, 1/40 2.5% होता है, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 47.5%। 60/9 29/60 कितना होगा ये बताइए, ये देखिए 36 जो है ना 17, ये तो कम होगा 47 के अराउंड ये भी कुछ होगा, ये बताइए कितना बस 9/20 सबसे ज्यादा ए ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो बहुत ही कम आ रहा है, 7/36 करिए देखिए कितना आ रहा है, सभी लोग करके बताइए क्या डी ऑप्शन आ रहा है, 29/60 करिए देखिए 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6/4=24 और 5 ये देखिए मुझे लगता है कि 4 ये सबसे ज्यादा आ रहा है क्या, ये आ रहा है 4.83 हाँ 48.3 आएगा सबसे ज्यादा मुझे लगता है ही आएगा, तो मुझे लग रहा है कि 20 ये वाला ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा ठीक है, डिवाइड करके चेक कर डी ऑप्शन ही रहेगा, आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। अगला बताइए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सचिन जो है सचिन बताइए आप, सचिन इज एंगर देन राहुल बाय 7 ईयर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इतना, फाइंड द सचिन एज, सचिन की जो एज होगी वो 7 के मल्टीपल में होगी, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए, 235 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, 125 नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो जा रहा आंसर हो गया 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल से आंसर हो गया, बताइए सॉल्व ही नहीं करना, अगर आप सॉल्व करते कैसे करते, आप देख रहे हैं देख रहा सचिन इनके बीच डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है 2 यूनिट का, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, 1 यूनिट की वैल्यू 3.5, 7 यूनिट की वैल्यू बताओ 7×3.5 24.5, आप देखिए या तो सॉल्व करते या तो डायरेक्ट 7 का मल्टीपल, ये सब चीजें देखिए कितनी यूनिक लग रही होंगी आपको, ये सारी चीजें जब सीख के जाओगे तो एग्जाम में करके आओगे, इसको बताइए क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू, प्रेजेंट में 6/7 का रेशियो है प्रेजेंट में पी और क्यू के बीच, आपसे कह रहा है कि चार, अच्छा कह रहा है क्या, कह रहा है कि क्यू जो है 4 साल बड़ा है, 4 years older than P है ना, अगर 4 years older than P है P, जरा बताइए डिफरेंस कितने का यहाँ पे है 1 यूनिट की, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना बड़ा है 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो जरा बताइए P की एज कितनी हो जाएगी 24, एक इनकी कितनी हो जाएगी 28, तो 4 साल बाद ये 28 के हो जाएंगे, ये 32 के हो जाएंगे, रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 7 और 8, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग हवा में उड़ा देंगे है ना, ये सब क्वेश्चन आप लोग हवा में, क्योंकि आपने प्रॉब्लम ऑन एजेस देखिए मैं शुरू में कराया था और उसका बेनिफिट देखिए आप लोग कि कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हमने कहा था एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जा रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व है। देखिये ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 लोग हैं, एजेस ऑफ 2% में डिफरेंस है 16 ईयर्स का, 6 साल पहले कह रहा है कि जो बड़ा द एल्डर वन भी 3 टाइम्स है एंगर देन, जो बड़ा जो है वो 3 टाइम्स है छोटे वाले के, तो कह रहा है कि जरा बताइए उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, या तो देखिए ऑप्शन से क्या करना है आपको, सबसे पहले चेक करिए कि इनके बीच डिफरेंस क्या 16 है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस 16 का है, यहाँ पे 16 का है, यहाँ पे 16 का है, यहाँ पे 16 का है, लेकिन अगर 6 माइनस कर दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, क्या 3 गुने का रिलेशन है, नहीं है, 6 माइनस करेंगे इसमें से तो 8 आएगा, इसमें से 6 माइनस करेंगे 24 आएगा, दिख रहे हैं कि 3 गुना हो जा रहा है, मेरा आंसर हो गया, तो ये ऑप्शन से तरीका हुआ, ऑप्शन से तरीका ये हुआ कि आप 6 6 माइनस करके देख लीजिए कहाँ पे 3 टाइम्स का रिलेशन बन रहा है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बताइए सॉल्व भी कर सकता हूँ, जल्दी बताइए करें कि ना करें, देखिए 6 साल पहले रेशियो कितना है, वैसे हो जाएगा 6 साल पहले यानी प्रेजेंट यहाँ है, 6 साल पहले अगर रेशियो कह रहा है 3:1 का है, 3:1 का है, यहाँ से अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ 2 यूनिट और एज में डिफरेंस कितने का 16, 2 की वैल्यू 16 है, 1 की 8 हो जाएगी, 3 की कितनी हो जाएगी 24 और इसकी 1 की 8 है,
तो 6 साल पहले ना, 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 30 साल का हो जाएगी, ये कितने 14, तो 14 और 30 मेरा आंसर हो जाएगा, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला देखिए 24 बताइए, 24 बताइए, अ मैन वॉक 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 6 घंटे के लिए चलता है, उसके बाद इसने 4 की स्पीड से 12 घंटे चलता है, जरा बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस टाइम टोटल, 5 की स्पीड से 6 घंटे में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर, मान करूंगा लीजिए 6 घंटे में कितना चलेगा, 30, और बताइए 4 की स्पीड से 12 घंटे में, 48 अपॉन टोटल टाइम, 6 घंटे इधर 12 घंटे इधर 18 घंटे, तो 78/18 करेंगे, 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो 39/9 करेंगे, 9 4 4 देखते ही आंसर, ये नहीं बैठ कर पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ पर सारा चीज रिवीजन हो जा रहा है ना, इसी में टीएसडी भी आ जा रहा है, मेंसुरेशन भी आ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी आज हो जाएगी, छोटे छोटे क्वेश्चन की हो जाएगी, तो जो लोग बने हैं वो अच्छे से देखते रहें। कह रहा था रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन 7:8 का रेशियो है, कह रहा कि सेकेंड ट्रेन जो है वो 440 किलोमीटर 4 आवर्स में जाती है, तो जरा बताइए देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ द जो फर्स्ट ट्रेन होगी वो 7 का मल्टीपल होगी, तो मुझे लगता है से ये देखिए 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी है क्या, ये भी नहीं है, ये देखिए 7 का मल्टीपल 1, हाँ ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, अब तो 2 ऑप्शन आ गया। तो देखिए तब भी आपने देखा कि 50% तुक्का भी अगर हम मारते हैं ना, तो आपका देखिए मल्टीपल में आपके 2 ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, कितनी बड़ी बात है, अब 2 ऑप्शन बचे इसी में से कोई आंसर होगा। ये बताइए सेकंड वाली जो ट्रेन है 440 किलोमीटर का 4 घंटे में जाती है, जरा बताइए उसकी स्पीड क्या है, सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड क्या है, जल्दी बोलो, अरे 440 4 घंटे में 110, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो 7 के निकालने हैं, निकाल नहीं ले जाओगे, 8 की 110 तो 1 यूनिट की वैल्यू बोलो, 8 की 110/8 करोगे, इसमें अगर मैं क्या करूं 2 से डिवाइड कर दो 55/4, 7 के निकालेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा 4 9 9, देखते ही आंसर, तो 96.25 आपका आंसर, 480 डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 385 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन लग जा रहा है, तो ऑप्शन से उसके मल्टीपल से भी 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ये सब बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर 45 मिनट्स, टीएसडी का क्वेश्चन यदि लगाई सभी लोग, तो कह रहा अगर वो अपनी स्पीड को इतना कर दे तो बताइए उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होती है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, स्पीड आपकी पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 16.5, ये तो हो गई, तो जरा बताइए तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 16.5:4, तो अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जो पॉइंट हटाता हूँ हो जाएगा 165, ये हो जाएगा 40, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको जब 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 33 और 8 हो जाएगा, आप बताइए क्या पूछा है, आपसे कहा है कि जो जो 4 किलोमीटर वाली स्पीड है ना उसको कितना घंटा लगता है, 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट जरा मिनट बदलिए तो 120+45 165, यानी पहले वाले को 33 यूनिट लग रहा है, तो 33 यूनिट की वैल्यू है 165, यानी 5 गुना, और अच्छा यही देख सकते थे ना, चलिए ठीक, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना यानी 40, वैसे 8 का मल्टीपल आता तो 2 ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो जाते, अब इसी में से टिक करना, तब भी देखिए 50% आपका चांस बढ़ गया, आप देख लिए कि नहीं, तो पहले जो लग रहा था वो 165, यानी 33 यूनिट की वैल्यू 165, यानी 5 टाइम्स, 8 यूनिट की वैल्यू 40 टाइम्स 40 मिनट्स,
तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन हम लोग कितने अच्छे से सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना, कोई ना फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, आराम से लग जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन आपको दिया, जितना अच्छा से कोशिश कर रहे हैं उतना अच्छा आपको दिया जा रहा है। जल्दी बताइए, इतना टाइम इन्होंने क्वेश्चन लगाई तो जरा बताइए कौन कौन लगाता है। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, कह रहा है 6 डेज आफ्टर दे वर्किंग दे स्टार्ट वर्किंग फोर, 6 दिन बाद जब लोग काम करना स्टार्ट करते हैं 4 आदमी और शामिल हो जाते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल ऑल देम टूगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जल्दी बताइए। सभी लोग बताइए कितना लगेगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। सभी लोग मैसेज करके बताइए तो जल्दी से। आ गया आंसर आप लोगों का, किसी का आया कि नहीं, अब जाके आंसर आ रहा ना, कौन एट का। देखिए आंसर, देखिए देखिए 12 मैन है, जरा बताइए अगर 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं फुल वर्क कितना हो जाएगा टोटल वर्क। 18 × 12 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 96 और 216 आ जाएगा। 6 डेज अगर हम लोग काम किए हैं, जरा बताइए कितना यूनिट का, 6 डेज में कितना करेगा 12 मैन, 72 यूनिट। तो उसको अगर मैं माइनस कर दूं, जरा बताइए कितना आ जाएगा आपका, उसको अगर माइनस कर दिया जाए कितना आ जाएगा, 244। अब इस 244 यूनिट को वर्क को 4 लोग और आ गए, यानी 16 लोग से करवाना है, यही तो आएगा है ना। देखिएगा 144 आएगा। अच्छा, हाँ तभी तो कह रहा हूँ 144, और 16 लोग से करवाना कितना आ जाएगा, 9 डेज। तो छोटा छोटा क्वेश्चन लगाइए आप लोग, हर जहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि हर जहाँ मल्टीपल, हर जहाँ 9, तो डी इतना नहीं लगाया जाता, जहाँ दिखे तो वैसे लगाइए, क्योंकि उतना एक्सपर्ट अभी आप लोग नहीं हुए हैं कि हर जहाँ डीएस लगा दें, हर जहाँ वो लगा दें। इसको बताइएगा, अ पर्सन बोरो 500 रुपीज किसी से उधार लेता है, 5% का रेट है, एसआई है, बहुत ही आसान, 4 साल में लगेगा 20%, तो उसे कुल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 120%। तो 500 का 120% कितना होगा, 600 रुपये, है ना। ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो होगा 20% लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट पूछता तो 100 रुपया लगता है, 500 का 20% 100 होता है, अमाउंट पूछा 120% निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो 600 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं, ऐसा ही है। 29 बताइए, तो सभी लोग फॉर्मूला बताइए, देखता हूँ किसको याद है। ये भी मैं जल्द ही स्टैटिस्टिक में करवाया था, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, देखिए क्वेश्चन आ गया, मीन दे रखा है, मीना नहीं लिखा है, मीन है और मीडियन दे रखा है, मोड पूछा है, जल्दी बोलो मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला, जल्दी बोलो मोड इक्वल्स टू क्या होता है, अब किसी को याद ही नहीं होगा क्या होता है, 3 × d, यही तो दिक्कत है। अब ये नहीं याद होगा तो आ देंगे सर, देखियो मैंने कहा था कहीं ना कहीं पूछेगा ना, 3 × मीडियन कितना है, 22, और में से 2 × मीन निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, 66 − 42 करेंगे तो 24 मेरा आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा, 24। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन × 2 मीन, इसको याद कर लीजिए, ये आपसे कोई बार बार नहीं है। 30 लगाई तो द डिफरेंस बिटवीन 45% ऑफ अ नंबर एंड 18% ऑफ द नंबर, सेम नंबर है ना, तो 45 और 18 के बीच का डिफरेंस बताइए कितना परसेंट हो रहा है, 27%। तो 27% की जो वैल्यू दे रखा है 145.8 है, आपसे उस नंबर का 30% निकालना है, जरा बताइए आंसर क्या होगा। अगर मैं इसको 9 से कैंसिल करूं, 9 3 जा और ये कितना जाएगा, 9 1 जा 16.2, 3% की वैल्यू 16.2 है, तो 30% यानी 3 से 30 यानी 10 टाइम्स, इसका भी 10 टाइम्स, यूनिट्री मेथड 162, 162 मेरा आंसर हो जाएगा, 162। देखिए सब सीखिए मुझसे ये कैसे कैसे किया जा रहा है, यूनिट्री मेथड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे लग रहा है, आप सोचिए ऐसे ही पेपर में करके आना है। दोबारा रिपीट हो गया क्या, ये 2 बार हो गया, ओ 2 बार आ गया, इसको बताइए। तो ये क्वेश्चन देखिए गलत है, कह रहा है ना कि असामनी कुछ पैसा उधार लेता है 8% की रेट से 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, यानी 32% इंटरेस्ट लगेगा, और कह रहा है ही हैज टू पे
इतना रुपीज एज अ इंटरेस्ट, जबकि व्हाट इज द टोटल अमाउंट, ये बताइए। जब इतना रुपया इंटरेस्ट दे रहा है तो टोटल अमाउंट कम कैसे आ जाएगा व्यास? यानी ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन ही जेएमआई का गलत है। गलत है कि नहीं जरा बताइए, गलत है कि नहीं मैसेज करिए। इंटरेस्ट कभी अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए क्वेश्चंस क्या है आपका, गलत है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आगे बताइए, इसको बताइए। अ मैन अप स्ट्रीम में स्पीड इतना है, डाउन स्ट्रीम में इतना है, जल्दी बताइए। करंट की स्पीड बताइए जल्दी से, करंट की स्पीड बताइए। प्रिया मिश्रा कितनी होनी चाहिए? 2 सेकंड का टाइम आपके पास है सिर्फ टाइप करने के लिए, कितना होगा? जी, 11 - 6/2 कितना जाएगा? 2.5 ना, 2.5। 11 - 6/2 सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, 2.5, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइप करने में टाइम लग जा रहा है। 33 बताइए ये क्या है, 33 बताइए ये क्या है भाई? कह रहा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इतना। ये बताइए, अगर स्क्वायर का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जरा बताइए स्क्वायर का एरिया होता क्या, साइड का स्क्वायर, उसकी वैल्यू 400 है, जरा बताइए साइड कितनी हो जाएगी? 400 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 20 आ गई। अगर उसकी साइड साइड 20 आ गई तो जरा बताइए, कह रहा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है तो यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा उसका, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो 24 - 80। कह रहा है कि जो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 45% ज्यादा है स्क्वायर की साइड से, तो जरा ये बताइए स्क्वायर की लेंथ कितनी, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी इसके साइड से 40% ज्यादा? जल्दी बोलो कितना आएगा, 20 का 40%, 8 सेंटीमीटर ना। 20 का 40% करेंगे ना, 2/5 यानी 8, 8 ज्यादा यानी 28, लेंथ आके 28। अगर लेंथ 28 है, ब्रेथ हमको नहीं पता लेकिन पेरीमीटर पता है, रेक्टेंगल का कितना है स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L2L+D इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 * 4, साइड इंटू फोर होता है, साइड इंटू फोर। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से देखिए 40 आ जाएगा और लेंथ है आपकी 28, तो 28 + B की वैल्यू 40 है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो B 12 है, लेंथ 28 है, एरिया कितना हो जाएगा, 28 * 12, आंसर आ जाएगा लास्ट में 6 आ रहा, कितना जाएगा सबसे पहली बार, 336 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे B निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। एक चीज आप मैं यहाँ पे समझ सकते थे, जब आपकी लेंथ 28 आ गई थी इसका मतलब जो आंसर होता है वो 7 का मल्टीपल होता, और 7 का मल्टीपल देखिए ये नहीं था और ये नहीं था, फिर देखिए दो दो ऑप्शन 7 का मल्टीपल में आ गया, तब भी आपको 50% चांस, लेंथ को देख करके ही समझ में आ जाना चाहिए कि एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो 28 में 7 पाया जा रहा है यानी एरिया में 7 आएगा, तो लेकिन दो ऑप्शन मैच खा गया था इसलिए हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा। आई होप सबको क्लियर होगा। बताइए इस क्वेश्चन में मैसेज करें किसी कोई डाउट है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? बस 4 क्वेश्चन और बचा है, बैठे रहिए आप लोग, इसमें जरा बताइए कोई डाउट है मैसेज करिए। नो, हाँ एक लोग भी नो बोल देंगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा। 34 बताइए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, n·(n−1/2) अगर आपको याद होगा, जरा बताइए कितने प्लेयर हैं, 6 × 6 - 1 = 5, 5/2 कर लीजिएगा तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। n·(n−1/2) ये बताइए, अरुणा केक वो काटेंगे नहीं, जरा बताइए आप लोग केक वगैरह काटते हैं ना, जो आप बर्थडे उर्डे आता है, आपसे क्या है, आपको एक केक दिया गया उसको आपने क्या कहा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 halves and cut 1/2 into smaller pieces of equal size, कह रहा है कि और हर एक जो एक बड़ा सा केक था दो पार्ट में आपने काट दिया, एक हाफ, जो एक सेकेंड हाफ जो था उसके आपने अलग अलग पीसेस आपने काटा, और कुल जो पीस बनाया है आपने वो 7 पीस में काटा है बड़े वाले को लेकर के, और जो छोटे छोटे पीसेस हैं ये बताइए, और उनका जो वजन है वो कह रहा है कि 20 ग्राम है, कितना है, 20 ग्राम।
जिससे पूछूंगा, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक बहुत बड़ा सा केक था, देखिए बहुत बड़ा बर्थडे केक, इसको आपने हाफ कर दिया, एक बड़ा वाला ये हो गया, एक पीस तो ये हो गया, और ये जो सेकेंड हाफ है, अगर आपने कुल 7 पीसेस में काटा है, तो इस वाले को कितने पीस में काटेंगे? मैसेज करिए, इस वाले, वेरी गुड, इस वाले को कितने पीस में काटेंगे? ये जो पूछ रहा हूँ, ये सेकंड हाफ वाले को 6 पीसेस में है, वेरी गुड, ये 6 पीस में हो जाएगा, ये बड़ा वाला 7 पीस में हो जाएगा। अगर ये 6 पीस में है, पीसेस में है, और एक पीस का वजन कितना, 20 ग्राम, तो इसका कुल वजन कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। अब भाई ये दोनों हाफ हाफ थे, तो ये भी वजन कितना, 120 ग्राम, तो कुल मिलाकर कितना ग्राम हो जाएगा, 240 ग्राम। यानी केक लग रहा, लगातार आप लोग काट रहे हैं ना, बर्थडे वर्थडे मनाते हैं, इसी वजह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, नहीं तो नहीं बता पाते। अब चलिए इसको बताइए, मॉडल मॉडल मार्क्स, मॉडल मार्क क्या होता है? क्वेश्चन आपको स्टैट्स में, आयु में देखा जा सकता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, वही आपका क्या होता है, मॉडल क्लास होता है या मॉडल मार्क, जरा बताइए आंसर क्या होना चाहिए। 41, 41 जो सबसे ज्यादा बार आया हो, है ना, तो 41 मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बताइए, ये बताइए क्या होगा, इसको बताइए, सम ऑफ ए एंड बी, कह रहा है एज, अगर ए और बी के एज का जो सम है, 6 साल पहले अगर 88 साल के हैं, उनके एज का सम अगर 88 ईयर है, तो बताइए प्रेजेंट में उनके एज का सम कितना होगा। मैं मान लेता हूँ उनकी एज एक्स प्लस एक्स और वाई है, चलो मैं डिटेल में लगा देता हूँ, तो प्रेजेंट में उनकी एज का सम बताइए जल्दी से, प्रेजेंट में उनकी एज का सम बताओ सभी लोग, सभी लोग गलत। ओहो, 6 साल पहले, हरिओम, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, 6 साल पहले अगर 88 साल का, तो प्रेजेंट में दोनों के एज का सम कितना होगा, सभी लोग मैसेज करिए, इतना नहीं बता पाओ तो क्या करेंगे आप लोग। दो लोग हैं, उनकी एज का सम अगर 6 साल पहले 88 साल के हैं, तो प्रेजेंट में दोनों के एज का सम कितना हो? क्या प्रिया मिश्रा, क्या कर रही हैं आप लोग, माइनस कर रहे हो ना, आप 6 साल पहले 10 साल की थी, आज 4 साल की हो जाएंगी, हैं, अकल कहाँ है आप लोगों की, हैं, गजब है भाई, 100, क्या खा के आए हैं आप लोग, ऐसा ऐसा बात, ऐसी ऐसा करेंगे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे हम। कितना आंसर आएगा इसका, 6 6 12 ऐड हो जाएगा ना, 100 ईयर्स। तो ये बताइए, अगर प्रेजेंट में दोनों का एज का समय, कह रहा है कि ए की एज जो है 18 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 18, वो इक्वल है बी की एज जो है 6 साल पहले बी की एज के, 6 साल पहले बी की एज कितनी है, वाई माइनस 6। तो अगर मैं यहाँ से एक्स माइनस वाई निकालता हूँ, कितना आता है जरा बताइए, तो 12 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए आंसर कितना आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स आ जाएगा, 2x की वैल्यू 112, x की वैल्यू 56, 56 साल का होगा वो प्रेजेंट में, क्या पूछा है, 2 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 58 ईयर्स का, कितने साल का हो जाएगा, 58 ईयर्स का। ये बताइए, यहाँ तक जितना पढ़ाया गया, कोई डाउट है इसमें, जल्दी बताइए। इस तरह हम लोगों ने जेएमआई के जो है 37 क्वेश्चन किए, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।